जय गुरु जी नमस्कार। हम क्या करते हैं एज अ न्यू संगत, गुरु जी हमें दसियों बार मैसेज भेजते हैं, दसों बार हमें कॉल करते हैं, बट हम या तो उस कॉल को इग्नोर कर देते हैं या हम फोन उठाते नहीं, या तो हम फोन को रिसीव नहीं करते या इग्नोर करते हैं बार बार मैसेज मिलने के बाद भी। गुरु जी हमें चारों तरफ से बताते हैं कि मेरे पास आओ मेरे पास आओ। अब आप भी आंटी का सत्संग सुनिएगा तो आपको समझ आएगी ये बात कि गुरु जी की कॉलिंग क्या है, कैसे न्यू संगत जो है उसको कैसे गुरु जी अपने पास बुलाते हैं, कैसे गुरु जी एहसास कराते हैं कि मैं तुम्हें बुला रहा हूं मेरे पास आओ मेरे से जुड़ो। यही एक्सपीरियंस होता है हर संगत को जो आज के सत्संग में आंटी बताएंगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। चारों तरफ से आपको मैसेज मिलने लगते हैं गुरु जी के पास जाने के, फ्रॉम ऑल द साइड, फ्रॉम योर रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली, इवन फ्रॉम योर सेल फोन, फोन में भी आपको चारों तरफ गुरु जी ही दिखने लगते हैं, उनके मैसेज दिखने लगते हैं। दैट इज गुरु जी इज कॉलिंग फॉर यू टू गो टू गुरु जी, मतलब बड़े मंदिर जाइए, बेसिकली गुरु जी से जुड़ने की वो कॉलिंग है। गुरु जी ही वो कॉलिंग दे रहे हैं, उन्हीं की आवाज है, वो आपको बुला रहे हैं, आप हम लोग समझते नहीं है। सत्संग सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग सत्संग है, और आपको जो भी पशुपेश में पड़े हुए संगत न्यूली कनेक्टेड है कि मैं जुड़ी हूं या नहीं जुड़ी, मैं जुड़ा हूं या नहीं जुड़ा, आज आपको समझ आएगा कि आप जुड़े हैं या नहीं जुड़े और गुरु जी आपको जोड़ना चाहते हैं या अभी आपका नंबर नहीं आया। आइए सुनते हैं आज का सत्संग, नेहा आंटी ने भेजा है पंजाब से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी नितिन अंकल, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बिल्कुल ही नई संगत हूँ। मेरा गुरु जी से जुड़ना इस दिवाली के पहले जो धनतेरस आती है, 2022 धनतेरस पे मेरा जुड़ना हुआ एक तरीके से गुरु जी से। हुआ यूं कि मैं, मेरे साथ क्या हो रहा था कि मेरी एक फ्रेंड है गुड़गांव में, वो उसकी सिस्टर जुड़ी हुई है ऑलरेडी गुरुजी से, वो तो काफी समय से जुड़ी हुई है। तो अभी दिवाली के पहले जो धनतेरस थी, वो तो कई दिनों से मेरे जैसे फ्रेंड से बात हो रही थी फोन पे, तो कोई भी बात होती थी तो जैसे हम लोग गुरुजी के बारे में डिस्कस करने लगते थे, या वो बड़े मंदिर के लिए बताने लग जाती थी कि तो इस तरीके से एक दो बार उसने कुछ डिस्कशन किया, कुछ मतलब बात आ गई गुरुजी से रिलेटेड। फिर मेरी देवरानी है, उसने भी मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि आगे उसके भैया भाभी जुड़े हुए हैं गुरुजी से, तो ऐसे ऐसे करके। और फिर उसने मुझे बताया कि हम तो जाके आए हैं बड़े मंदिर, और उनका डुगरी में भी मंदिर है गुरुजी का, ऐसे ऐसे करके कई सारी बातें। तो मुझे पिछले मतलब धनतेरस से एक महीने डेढ़ महीने पहले से, मतलब काफी टाइम से ये हो रहा था कि कोई ना कोई, मतलब चाहे तो वो मेरी फ्रेंड या कोई मतलब किसी ना किसी तरीके से मेरे पास जैसे मेरे से कोई ना कोई गुरुजी के बारे में डिस्कस कर रहा था, या पता नहीं ये गुरुजी की कॉल थी क्या था कि गुरुजी मुझे अपने से जोड़ना चाह रहे थे, या गुरुजी बस अपनी ब्लेसिंग्स देना चाह रहे थे, अपनी छत्र छाया में लेना चाह रहे थे। शायद यही मुझे ऐसा ही कुछ अनुभव हो रहा है कि वो बार बार अगेन अगेन वो लोग मेरे सामने मेरे से फोन पर मतलब इस बारे में लाइक गुरुजी के बारे में कोई ना कोई हमारी बातें हो जाया करती थी गुरुजी से रिलेटेड। तो ऐसे ही फिर मैंने एक दिन सोचा कि अच्छा मैं सर्च करती हूँ गुरुजी के बारे में। अच्छा मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे तो मैं 2008 या 9 से गुरुजी के बारे में, गुरुजी का मतलब मैं फेसबुक वगैरह पे देखा करती थी 2008-2009 में, जब मैंने कभी अपना फेसबुक अकाउंट बनाया था तो उस समय मैं देखा करती थी। जो ये मेरी फ्रेंड है गुड़गांव वाली, जो इसकी सिस्टर है, वो जुड़ी हुई है ऑलरेडी, तो वो मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रेंड लिस्ट में थी, तो मैं कई बार उनके फेसबुक पेज पे देखा करती थी, तो अक्सर मैं लिख दिया करती थी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो बस इतना 2008 या 2009 की बात है।
तो खैर ये अभी 2022 का मैं आपको मतलब बता रही हूँ कि मेरा अभी धनतेरस पे जुड़ना हुआ। तो जब वो मेरी फ्रेंड और सभी लोग कहीं ना कहीं से मुझे जैसे गुरुजी के बारे में कुछ ना कुछ बातें मेरे सामने आ रही थी या मेरे को फोन पे कोई डिस्कस करता था, तो मैंने सोचा कि आजकल तो यूट्यूब बहुत अच्छा साधन है, तो किसी भी चीज से जुड़ने के लिए, किसी के भी बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो मैंने बस बैठे बैठे मैंने क्या करा कि मैं यूट्यूब पे गुरुजी के बारे में सर्च करना और देखना और उनके सत्संग एक सुना, दो सुना, तीन सुना। और किसी किसी दिन तो मेरा ऐसा होता था कि मैं दिन भर सत्संग 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 पांच पांच छह छह सत्संग सुनती थी। और वो जो एक्सपीरियंस मुझे सत्संग सुनने से हो रहा था, जो मैं सत्संग सुन रही थी, वो मेरा बेटा, मैं और मेरा बेटा ही घर में रहते हैं। तो मेरी बेटी है वो चंडीगढ़ में रहती है, वहां पे वो जॉब कर रही है, तो मेरा बेटा और मैं हम यहीं पर रहते हैं, तो घर में रहते हैं। तो मैं उसको बताया करती थी कि आज मैंने ये सत्संग सुना, आज मैंने वो सत्संग सुना, बेटा मैंने ये मतलब ये गुरुजी की महिमा के बारे में, मैं उन सत्संग में जो भी वो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, तो मैं वो सत्संग सुन के अपने बेटे से वो शेयर करती रहती थी। वो सुने ना सुने मैं उसको बताती रहती हूँ, अभी भी मैं उसको बताती रहती हूँ कि तो मैं ऐसे सर्च करती रही। और संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लगभग पिछले 20-22 सालों से हम लोग पंजाब लुधियाना में रहते हैं, लेकिन और जबकि 2008 से, मैंने आपको जैसा कि बताया, 2008 या 9 में मैं गुरुजी को देखा करती थी फेसबुक पे, और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख दिया करती थी, बस इतना तक होके बात रह गई। लेकिन अभी जब मेरा मतलब मुझे जब झुकाव होना शुरू हुआ धनतेरस पे दिवाली के पहले, तो मतलब संगत जी, हम देखिए 20-22 सालों से रहते हैं और मोबाइल सबके हाथों में होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कभी भी मैंने कोशिश नहीं की क्या हुआ क्या नहीं, मतलब मेरा झुकाव या जुड़ना, या जबकि बहुत 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 मतलब मैंने अपनी लाइफ में बहुत बुरे बुरा समय देखा है, बहुत 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 बुरा समय देखा है, कहाँ कहाँ भटके हैं, दर दर भटके। खैर, नहीं नहीं ये दर नहीं मिला, गुरु जी का दर नहीं मिला, शायद गुरु जी ने तब मुझे अपने से नहीं जोड़ना था इसलिए मुझे वो दर नहीं मिला। तो जब मैंने सत्संग देखने यूट्यूब पे देखने सुनने शुरू करे, तो इस बीच में मैं संगत जी आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि उन दिनों कार्तिक का महीना चलता है, कार्तिक मास चलता है, तो इस बार पहली बार मैंने कार्तिक मास का स्नान करा, तो जो कि शरद पूर्णिमा से शुरू हो जाता है, दिवाली के पहले जो शरद पूर्णिमा आती है, तो कार्तिक का मास शुरू हो जाता है, तो उसमें कार्तिक स्नान होता है जिसमें कि हम तारों की छाओं में उठते हैं, यानी कि अमृत वेला भी अमृत वेले का ही वो टाइम होता है। तो मैंने पहली बार कार्तिक मास का स्नान किया अपनी लाइफ में, तो मैं 4-4:30 बजे उठ जाती थी, मैं गंगा जल डाल के स्नान करती थी, नहाती थी, उसके बाद में जाके तुलसी जी में दिया जलाना, उसके बाद में अंदर अपने पूजा घर में साफ सफाई करके वहां दिया जलाना, कार्तिक स्नान करके कार्तिक की पाठ पूजा करना। तो ये सब मेरा ये शेड्यूल इस बार इस तरीके का मेरा पूजा पाठ चल रहा था। तो मैं इस चीज को, मैंने कार्तिक स्नान को इसलिए बताया कि जैसे कहते हैं ना कि अमृत वेले में उठो तो ईश्वर मिल जाता है, तो मतलब मैं अपना ये एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ कि ड्यूरिंग दिस टाइम ही मुझे वो अमृत वेला में उठना कह लो मेरा, या कार्तिक मास का स्नान कह लो, जो कि पूरे महीना सवा महीना चलता है, ड्यूरिंग इसी पीरियड में मुझे इसी टाइम के दौरान देखिए मुझे गुरुजी से जोड़ना हुआ, और जो कि मतलब वो कार्तिक मास दीपावली के बाद जाके खत्म होता है, तो इसी दौरान मुझे जब मैं क्या करती थी, जब फिर सुबह उठी, उसके बाद पूजा पाठ कर लिया, कार्तिक की कथा वगैरह कर ली, तो थोड़ा बैठ गई चाय वगैरह बना के, तो उसी ड्यूरिंग सुबह सुबह ही मैं सत्संग सुनने लग जाती थी यूट्यूब पे, और पूरा पूरा दिन सुनती थी। तो खैर, फिर मैं ऐसे सुनती थी, तो जब मुझे पता चला कि ये गुरुजी तो डुगरी वाले हैं, तो इनको तो डुगरी वाले गुरुजी भी कहते हैं, मैंने यूट्यूब पे देखना सत्संग करना शुरू किया, तो मैं ये कहती हूँ, तो मैं बैठ के गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप तो डुगरी के हो और हम तो कितने टाइम से यहाँ रहते हैं, गुरुजी आपने मुझे कभी अपने से नहीं जोड़ा,
और मैं सोच रही हूँ अपने बेटे से बात करती हूँ, मतलब बात कर रही हूँ बेटे से कि चलो डुगरी का प्रोग्राम बनाते हैं, बेटा जरा देखो कैसे जा सकते हैं हम डुगरी, और कोई कैब करें या मैं ड्राइवर को बुलाऊं या कैसे जाएं, तो चलो कुछ प्लान करते हैं, चलते हैं डुगरी चलते हैं, क्योंकि वो ही पास है और दिल्ली तो थोड़ा, और जबकि संगत जी दिल्ली मेरा मायका है, मेरे ब्रदर्स दिल्ली रहते हैं दोनों, एक दिल्ली एक गुड़गांव, लेकिन देखिए मेरे बस कहते हैं ना जोड़ना नहीं था गुरुजी ने कभी, अब जोड़ना था, अब समय था शायद मेरा उनसे जुड़ने का, इसीलिए मैं अब जुड़ पाई और इसीलिए अब मैं अपना जो ये एक्सपीरियंस है सत्संग के रूप में शेयर कर रही हूँ कि इतने समय से यहाँ रहने के बावजूद हम कभी गुरु जी से नहीं जुड़ पाए, क्यों? क्योंकि शायद गुरु की ही इच्छा नहीं थी, ईश्वर की ही इच्छा नहीं थी, उन्हीं की मर्जी नहीं थी, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। जबकि मैं दिल्ली की ही हूँ, दिल्ली आना जाना रहा और पंजाब में रहती हूँ, दिल्ली मेरा मायका, लेकिन कभी जैसे किसी ने डिस्कस ही नहीं किया, कभी गुरु जी की बात मेरे सामने आई ही नहीं इस तरह इतना इतना डिटेल में, जितनी अब मेरी फ्रेंड्स के थ्रू आ रही थी दीपावली के पहले महीने तक आती रही। तो खैर फिर क्या हुआ कि मैंने ऐसे अपने बेटे से बैठी बैठी मैं सोचती रही, अच्छा मैं अपनी गाड़ी से जाएं तो मैं ड्राइवर को बुलाऊं, ये करूं वो करूं, मैं ये सोच ही रही थी। तो यहाँ पर एक है, अच्छा मैंने फिर कहीं से नंबर फाइंड आउट किया कि यहाँ पे भी तो संगत होगी, वहां का कुछ मिल जाए ये वो करके, तो कैसे ना कैसे कहीं से इंस्टाग्राम से मुझे किसी के थ्रू नंबर मिला, तो एक कोई नंबर मिला, उनके थ्रू मैं यहाँ के लोगों से जुड़ी, और उनमें भी एक और अंकल हैं, तो उनको उन्होंने फिर उनका मुझे नंबर मिल गया, उनसे मैं व्हाट्सएप पर उनके ग्रुप पर जुड़ गई। तो मैं उनको रोज कहती थी कि अंकल मुझे कोई मेरे एरिया में कोई संगत हो, कोई आंटियां हो, उनसे उनका प्लीज किसी का नंबर आप दे दो, सो दैट मैं उनसे कांटेक्ट रखूं और कहीं भी जो दूर सत्संग होते हैं तो हम लेडीज लेडीज मिल करके जा सकें। तो मैं उनको कई दिन कहती रही। तो इस बीच के भी संगत जी बहुत सत्संग है, वो मैं फिर कभी शेयर करूंगी, तो अभी मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रही हूँ। तो फिर दीपावली बीत गई, तो फिर एक दिन उनका अंकल का मैसेज आया, उन्होंने एक आंटी का नाम बताया जो कि हमारे ही सोसाइटी के थोड़ा पास रहते हैं। तो अभी बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अभी इस वक्त मैं उन सब आंटियों से, उन संगत से सबसे जुड़ चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनसे सबसे जुड़ गई हूँ। तो क्या हुआ कि जब उन आंटी से मेरा जुड़ना हुआ, तो फिर ऐसी एक, उन्होंने भी मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा नंबर ऐड कर दिया। तो फिर उन्होंने एक दिन दीपावली के बाद ही, उन्होंने इस बार मुझे याद है 24 अक्टूबर की दीपावली थी, 24 अक्टूबर को दीपावली थी, और ये बात है 26 नवंबर की। तो उससे कुछ दिन पहले ही मैं उन आंटी से जुड़ी थी और उन्होंने मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्रेंड बना लिया, और मतलब वो पूरी संगत का हमारा ग्रुप है, तो हम उसमें संगत से रिलेटेड, सत्संग से रिलेटेड ही बातें करते हैं। तो उन्होंने एक दिन डाला उस पे कि बड़े मंदिर के बस सेवा लेकर के जा रहे हैं, और वो थोड़ा सा नॉमिनल चार्जेस भी खैर लेते हैं, तो अगर किसी संगत को जाना है तो बताओ। तो मुझे इतनी खुशी हुई, संगत जी नितिन अंकल मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, इतनी खुशी, मैंने कहा मैं तो जाऊंगी। और मैं ये सोच रही थी कि मैं तो दिल्ली की हूँ, तो अच्छा एक दिन मैं सोच रही थी कि मैं दिल्ली की हूँ, चलो अगली बार मेरा भाइयों के यहाँ जब जाना होगा तो मैं ऐसे ऐसे वहां भाइयों के यहाँ जाऊंगी, फिर मैं वहां से कैब करके छतरपुर चली जाऊंगी, ये वो दिस दैट मैं सोच रही थी। फिर मैं सोच रही थी अब न जाने गर्मी की छुट्टियों में ही भाइयों के यहाँ जाना हो पाता है जब बच्चों की हॉलीडेज होती है, तो मैं सोच ही रही थी। तो खैर आंटी ने उस पे डाला कि कोई भी मतलब वहां पे छतरपुर जा रहे हैं जाने, तो उन्होंने नॉमिनल सा जो चार्जेस होता है वो, तो मेरे को इतनी खुशी, इतनी खुशी, मैंने फटाफट फटाफट आंटी को बोला कि आंटी मेरी दो सीट्स कर दो, मैं और मेरा बेटा जाएंगे। और इसमें भी सत्संग है कि मेरा बेटा जाने के लिए राजी नहीं था, लेकिन एंड मोमेंट पे वो राजी हो गया जाने के लिए, वो रेडी हो गया जाने के लिए। फिर मैंने उनको दो सीट्स का जितना भी, जो भी उन्होंने नॉमिनल से चार्जेस रखे थे, हमने वो दे दिए,
और मैं और मेरा बेटा, मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि कहाँ तो मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी और कहाँ मुझे गुरुजी ने ऐसा जोड़ा कि मैं डुगरी जाने को पहले सोच रही थी कि जो मेरे नियरेस्ट पड़ेगा डुगरी मंदिर, कि गुरुजी पहले मुझे डुगरी मंदिर बुला लो, वो मेरे नियरेस्ट पड़ेगा, दिल्ली तो मैं जब जाऊंगी तब चली जाऊंगी। लेकिन वो देखिए कैसा, मतलब गुरुजी ने एक तरीके से ऐसे किया मेरे साथ कि तू बेटा चिंता क्यों करती है, तू लुधियाना होके डुगरी आना चाहती है ठीक है, लेकिन रुक, पहले मैं तुझे, सबसे पहले मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा अपने। और सत्संग संगत जी, हम 26 नवंबर को, सबसे पहले 26 नवंबर को सबसे पहले मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया मेरे बेटे के साथ। हम वहां गए, वहां पे हमने दर्शन किए, अगले दिन हम आ गए और जब और हम वहां पे बड़े मंदिर भी गए और हम वो पूरी संगत के साथ, आंटी लोग के साथ हम गए और हमने वहां पे बंगला साहब गुरुद्वारे जी के साहब के भी दर्शन करे और बहुत अच्छा रहा हमारा वो, बहुत ही बढ़िया रहा। और वहां पे दर्शन करने के भी छोटे छोटे अलग 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 सत्संग है, वो मैं फिर कभी शेयर करूंगी। अच्छा, तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कहाँ तो हम 20-22 सालों से यहाँ रहते हैं, कहाँ तो हम मतलब एक तरीके से जानते भी नहीं थे, पता नहीं क्यों नहीं जानते थे, किस कैसा पर्दा पड़ा हुआ था दिल दिमाग पर, ईश्वर ही जाने, गुरु जी ही जाने। और कहाँ मैं डुगरी जाने का प्लान कर रही हूँ और कहाँ एकदम से गुरुजी जैसे कहते हैं कि नहीं पहले तू बड़े मंदिर आ, फिर उसके बाद संगत जी मैं 26 नवंबर को बड़े मंदिर गई हूँ बेटे के साथ, उसके बाद 27 को हम आए हैं, उसके बाद संगत जी विद इन 10 डेज बड़े मंदिर से आने के 10 दिनों के अंदर ही गुरुजी ने मुझे, मेरा बेटा और मेरी बेटी जो चंडीगढ़ में रहती है वो यहाँ मेरे पास आई थी, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, वो यहाँ आई थी और मेरा यही मन था कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर के डुगरी मंदिर जा सकूं। तो संगत जी, मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर के बाद 10 दिन के अंदर मेरे दोनों बच्चों के साथ डुगरी बुला लिया और हम डुगरी दर्शन करके आए। बहुत उस वहां पे भी सत्संग है मेरा, वो भी मैं फिर जरूर किसी दिन शेयर करूंगी, ये छोटे छोटे सत्संग। और सत्संग और संगत जी, उसके बाद मतलब 26 नवंबर से लेके टिल टुडे तक के, मतलब विद इन 26 नवंबर के बाद से लेके विद इन वन मंथ, एक महीने के अंदर ही बड़े मंदिर के दर्शन सबसे पहले, फिर मुझे गुरुजी ने डोगरी मंदिर के दर्शन, फिर मैं सोचूं कि कभी मैं जालंधर मंदिर भी जा पाऊंगी क्या, कभी मैं एम्पायर स्टेट भी जा पाऊंगी क्या। ऐसा चमत्कार मेरी लाइफ में कि जो अभी ये पूर्णिमा थी, जो कि 6 दिसंबर को पूर्णिमा, सॉरी 6 जनवरी को जो पूर्णिमा थी, मतलब कि मैं 26 नवंबर को हम लोग बड़े मंदिर गए, मैं और मेरा बेटा, उसके बाद विद इन 10 डेज हमें डुगरी के दर्शन दिए गुरुजी ने मेरे दोनों बच्चों के साथ। उसके बाद 6 जनवरी को जो पूर्णिमा थी, उस दिन मैं अपनी यहाँ जो मेरी आंटियों के साथ जो मेरा जुड़ाव हो गया है, जो संगत है, गुरु संगत है, जो हम आंटियां हैं 12-15, हम मिल करके हम जालंधर मंदिर गए पूर्णिमा के दिन, जो कि 6 जनवरी को था। और मतलब कि एक महीने के अंदर ही गुरुजी ने मुझे तीनों अपने मंदिरों के दर्शन दे दिए। बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी, न जाने कैसा पर्दा पड़ा था 20-22 सालों से कि कभी ना पता था आपके बारे में, पता होकर के भी नहीं पता था आपके बारे में, और अब आपने ऐसा जोड़ा, ऐसा मुझे बुलाया, ऐसे दर्शन दिए कि बस मैं तो धन्य धन हो गई। तो संगत जी, वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी चाहते हैं तभी हो सकता है। नितिन अंकल, आप भी कई बार अपनी कहानियों में बताते हो, अपने एक्सपीरियंस से बताते हो कि जब गुरुजी जैसा चाहते हैं, जब वो बड़े मंदिर बुलाना चाहते हैं तभी होता है ऐसा, तभी हो सकता है ऐसा। तो एक महीने के अंदर मेरा बड़े मंदिर जाना बेटे के साथ, फिर डुगरी मंदिर जाना दोनों बच्चों के साथ, और फिर जालंधर मंदिर, तो खैर मैं अपनी आंटियों के संगत जो है गुरु संगत, उनके साथ हम सब मिलके गए थे।
तो बहुत अच्छा रहा। और मैं एक बात यहाँ पे और शेयर करना चाहती हूँ, एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम जालंधर मंदिर गए तो वहां पे उस दिन पूर्णिमा के दिन 5 या 5:30 बजे का शाम का टाइम से, मतलब वो खुलता है 7:30-8 बजे के बीच में, 2-2.5 घंटे के लिए वो मंदिर खुलता है, जालंधर मंदिर पूर्णमासी के दिन। तो वहां पे हम लाइन में खड़े थे तो मेरे मन में आया कि अच्छा, मुझे ये पता था, किसी से पता चला था कि वहां पे कृष्णा बहन जी होती हैं, गुरु जी की बहन जी जो है, गुरु जी की जो दीदी है, गुरु जी की जो बहन है, वो वहां पर होती हैं जालंधर मंदिर में। तो मेरे मेरे मन में ना यही आए संगत जी कि एक झलक बहन जी के दर्शन हो जाए, कृष्णा बहन जी के दर्शन हो जाए जरूर से गुरु जी। तो 5 या 5:30 बजे से मंदिर के पट खुलने थे तो हम लोग लाइन में ही खड़े थे। तो 4:46 या 4:47 ऐसे हुआ था टाइम। तो मैंने अपनी वॉच देखी तो मैंने कहा गुरुजी बहुत देर से खड़े हैं हम लोग, ठंड लग रही है, और एक बार गेट खुल जाए, एक एक जल्दी आज जल्दी गेट खोल दो गुरुजी, आज 5:30 बजे से ही पहले गेट खुल जाए गुरुजी तो कितना अच्छा हो। तो 1 मिनट के लिए, सॉरी 1 मिनट के लिए गेट खुला, और संगत जी गेट खुलते ही वहां पे कृष्णा दीदी खड़े थे, कृष्णा बहन जी खड़े थे, इतने ग्रेसफुल, बिल्कुल गुरुजी जैसा उनका फेस, बिल्कुल गुरुजी जैसा उनका इतना ग्लो फेस पे, इतनी ब्यूटीफुल कृष्णा बहन जी। 1 मिनट के लिए गेट खुला और हमने उनके दर्शन करे, और फिर गेट बंद हो गया, और फिर 5:30 पर ही गेट खुला, और जब हम गेट खुलते ही अंदर गए तो फिर वहां कृष्णा बहन जी खड़े थे। मैंने उनको दूर से नमस्ते करा, उन्होंने मेरी नमस्ते का भी जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। हम सारी संगत, हम सारी आंटियां, 15-16 लोग थे हम, हमने सबने वहां पे जालंधर मंदिर के दर्शन करे। फिर हमने वहां पे लंगर प्रसाद, वहां पे पैक करके लंगर प्रसाद दे देते हैं, एक साइड से निकले हम, वहां पे हमें लंगर प्रसाद मिला और फिर हम वो लेकर के बाहर आ गए। तो मेरा ये एक्सपीरियंस, मैं अपना मतलब ये जर्नी मैंने अपनी शेयर करने की कोशिश करी है कि कहाँ तो हम इतने टाइम से जुड़े नहीं थे, कहाँ तो मतलब कभी जैसे पता नहीं क्या, कभी एक भी मंदिर मतलब जानते तक नहीं थे, इतना पास होकर के भी डुगरी मंदिर तक का नहीं जानते थे, और कहाँ गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि सीधे पहले बड़े मंदिर दर्शन कराए, फिर डुगरी मंदिर और फिर जालंधर मंदिर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, बहुत सारे सत्संग हैं। बस गुरुजी एक ही अरदास, एक ही प्रार्थना मेरी आपसे, गुरुजी मेरे दोनों बच्चों के सिर पे अपने ब्लेसिंग्स वाला हाथ रख दो, मेरे सिर पे अपने ब्लेसिंग्स वाला हाथ रख दो गुरुजी। बहुत बिगड़ी है जीवन में, बहुत बिगड़ गया है जीवन, शायद जीवन सुधर जाए गुरुजी, शायद कोई बुरे कर्म कट जाए मेरे, बहुत पापिन हूँ, बहुत अभागिन हूँ, लेकिन अब आपका दर मिल गया, आपका साथ मिल गया, आपका ब्लेसिंग्स वाला हाथ मिल गया गुरुजी, मुझ पर और मेरे दोनों बच्चों पर अपना ब्लेसिंग्स का हाथ रख दो गुरुजी, यूं ही हमारी बिगड़ी संवर जाएगी, मुझे विश्वास है। बहुत 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 शुक्रिया गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं भले ही आपको भूल जाऊं, मैं भले ही आपको बिसरा दूं, आप मुझे मत बिसराना, आप मुझे मत भूलना गुरुजी। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी नितिन अंकल, जय गुरु जी सारी संगत, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, आपने अपना सत्संग शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत बहुत आपने अच्छी बातें बताई, अपना पूरी जर्नी आपने शेयर करी गुरु जी के साथ। और बस एक बात है कि सभी संगत से ये बात है कि हम जो है ना, गुरु जी की जो कॉलिंग आती है, जो मैसेजेस आते हैं हमें चारों तरफ से, जब मैसेज आए तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सी, वी हैव टू कनेक्ट द डॉट्स,
चारों तरफ से हमें डॉट्स कनेक्ट करके गुरु जी के पास जरूर जाना है, वो गुरु जी का या मत्था टेकने या गुरु जी को आप वैसे ही अपना लें जैसे भी, बट उसको इग्नोर नहीं होने देना है, हमें ध्यान रखना है इस चीज का। सेकेंडली, चाहे वो नितिन अंकल का ग्रुप हो चाहे वो किसी आंटी का ग्रुप हो, ज्यादा फोकस हमारा बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड होने का नहीं होना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली आंटी के लिए नहीं बोल रहा, बिकॉज ये सत्संग हजारों संगत सुनने वाले हैं, तो इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है, गुरुजी ने जो सेवा दी है मेरी ड्यूटी बनती है आप सबसे ये बात करना। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड हो जाते हैं तो कई बार ना हमारा ध्यान भटकने लगता है, हमारा फोकस जो होना चाहिए वो ना हो करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। हमारा फोकस है गुरु जी की भक्ति करना, गुरु पर ध्यान लगाना, हमारा फोकस ज्यादा ये होना चाहिए। एक तो ग्रुप में ऐड हो गए, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, बट बहुत ज्यादा ग्रुप्स में ऐड होने का देयर इज नो पर्पस, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मल्टीपल ग्रुप्स में, दसों ग्रुप्स में ऐड होने का कोई बेनिफिट नहीं है। एंड जब भी हम गुरु जी के वहां जाए, गुरु जी का आदेश है कि जब मेरे यहां आते हो तो उसके बाद सीधा अपने घर वापस जाओ। इसका मतलब कि गुरु जी के यहां जब हम जा रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि गुरु जी के यहां हम चले जाते हैं, मतलब कि सपोज मुझे शादी में जाना है, गुरु जी का मंदिर बीच में पड़ रहा है, तो मैं गुरु जी का मत्था टेक के शादी में निकल जाऊंगा। गुरु जी को ये चीज नहीं पसंद है। गुरु जी का कहना है कि जब मेरे यहां आते हो तो मेरे यहां ही आओ और सीधा मेरे यहां से अपने घर वापस जाओ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, गुरु जी वॉन्टेड टू टेल दिस कि भाई मेरे यहां आना इज नॉट पिकनिक स्पॉट पर आना। ऐसा नहीं कि तुम वेरियस पॉइंट्स पे जाओगे, सपोज मैं अमृतसर जा रहा हूं, ऐसा समझ लेते कि अमृतसर जा रहा हूं, मेरे को गोल्डन टेम्पल जाना है, तो गुरु जी कहते हैं कि भाई गोल्डन टेम्पल ही जाओ फिर, और डुगरी आना है तो डुगरी ही आओ और फिर मेरे पास फिर घर अपने वापस जाओ, और गोल्डन टेम्पल जाना है तो गोल्डन टेम्पल जाओ फिर घर अपने वापस आओ। आई होप जो बताना चाह रहा हूं मैं, जो गुरु जी का मैसेज हो आप तक पहुंच गया हो। बस अब आज की स्टोरी शेयर करते हैं। यदि आप भी अपना सत्संग आंटी की तरह शेयर करना चाहते हैं, आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया है लुधियाना पंजाब से, तो नीचे ईमेल एड्रेस दिया है, आप अपना सत्संग जरूर शेयर करिए, हम सारी संगत से गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स चैनल पर शेयर करेंगे। आइए स्टोरी सुनते हैं आज की। मैं नितिन अंकल हूँ, पहले मैं आपके साथ सत्संग शेयर करता हूँ और उसके बाद स्टोरी। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरु जी। एक बार एक राजा ने अपने तीन सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों को बुलाया और उनमें से प्रत्येक को एक बैग दिया। फिर उसने उनसे कहा कि चारों ओर जाओ और अपने इस बैग को फलों से भर दो। इससे उनके मंत्रियों की ईमानदारी की परीक्षा होगी। पहले मंत्री ने राजा के आदेश को बहुत गंभीरता से लिया, सीरियसली लिया, और उसने अपने बैग में जितने भी अच्छे फल थे उनको इकट्ठा किया, बहुत कड़ी मेहनत की और अपना बैग फलों से भर दिया। दूसरे मंत्री ने राजा के आदेश को हल्के में लिया और अपने बैग को अच्छे और कुछ सड़े हुए फलों के मिश्रण से भर दिया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि ये दोनों मंत्री बेवकूफ हैं। राजा कौन सा बैग को खोलकर देखने वाला है, तो उसने दोनों मंत्रियों के बिल्कुल विपरीत किया। उसने बैग को सिर्फ सूखे पत्तों और गंदगी से भर दिया। उसका इरादा था कि वो राजा को मूर्ख बना देगा। उसके बैग में एक भी फल खाने के लिए नहीं था। तीनों मंत्री अपना बैग लेकर राजा के दरबार में वापस आ गए। राजा ने मंत्रियों से पूछे बिना उन्हें कहा कि इन तीनों को अलग अलग जेल में बंद कर दिया जाए और इनको जेल से 3 महीने बाद
बाहर निकाला जाएगा। वह वही खाना खाएंगे जो उन्होंने अपने बैग में एकत्र किया हुआ है। पहला मंत्री खुश था क्योंकि उसके पास रहने के लिए बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन था, वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। दूसरा मंत्री थोड़ा सा चिंतित था क्योंकि उसका आधा भोजन सड़ा हुआ था और वह अपने कारावास की पूरी अवधि तक नहीं टिक सकता था। लेकिन तीसरा मंत्री बहुत ज्यादा घबरा गया क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह राजा की आज्ञा का पालन करने में बिल्कुल लापरवाह और आलसी था। दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा ये है कि जब हम किसी भी काम को अपने हाथ में लेते हैं, कोई भी काम हम करते हैं, तो हमें उस काम को बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से और सच्चाई से करना चाहिए। किसी भी काम में हमें आलस और लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा भी परिणाम इस कहानी की तरह, उस मंत्री की तरह हो सकता है। हम कभी भी ऐसा ना समझें कि सामने वाला मूर्ख है। दूसरे को मूर्ख बनाने वाले अक्सर खुद मार खाया करते हैं। जय गुरु जी। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मैं फिर मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नए सत्संग, नई स्टोरी के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। जय गुरु जी। बाय बाय।